चंदन का के मस्तक पर चंदन करें। ओम चंदन महत्व पुण्यम पवित्रम पाप नाशनम आपदा हत्य नित्यम लक्ष्मी तिष्ठते सर्वदा।
चंदन करें। और जब खीर पूरी हुआ है उसका गिल्हा जी को भोग लगाएं, चंदन भरी रख दे। मंगलम मुंडरी काक्षम मंगलायतनोहरि ओम शांताकारम भुजभूषणम पद्मनाभम श्रीशं यस्सदानं तद्धम्मेवानं श्वासं लक्ष्मीकांतं कमललेलं योगेश्वरं वन्दे विष्णुवेहरं सर्वलोकैकनाथं ओम नमो विष्णुभोक्ता संग्रेहस्वोजरम् कोमन पूरा जल पूरा पुलंद दाता की जय। पुल के राजी महाराज की जय। जल के छींटे लगाओ और गिरिराजी को जल के छींटे लगाओ। गिरिराजी की श्रद्धा अनुसार दक्षिणा गिरिराजी के पास में रखें, क्योंकि जब जब कोई घर में अतिथि आता है और अतिथि को हम भोजन कराते हैं और अतिथि को घर से खाली हाथ विदा कर दे तो उसमें अतिथि का अपमान होता है। तो श्रद्धा अनुसार गिरिराजी की भेंट करेंगे और एक दो रुपया देकर के कोई गिरिराजी को अपमानित नहीं करेंगे। गिरिराजी को आपने जिस लायक बनाया हो उसी अनुसार गिरिराजी को भेंट करेंगे। थाली रख लो वहां पर दान पात्र गिरिराजी के पास में। और मामा जी हरवंश मामा जी अपनी धर्म पत्नी सहित उठ करके आ जाए। जो अपने अपने घर से भोग लाए हैं वो आकर के भोग लगा दे, और नहीं लाए हो तो कोई बात नहीं है, यहाँ पर वो भोग उपस्थित है, भोग लगा सकते हैं। कलश वाली कन्याएं उठ करके आ जाए, कलश वाली कन्याएं आकर के भोग लगाए। और जो भी गिरिराजी से मांगोगे, जो भी मांगोगे गिरिराजी आपकी अवश्य ही कामनाओं को पूर्ण करेंगे, क्योंकि प्रभु के जमाने की सिर्फ एक ही चीज तो रह गई है, वो हमारे गिरिराजी है। इसीलिए भागवत में उनका आज भी पूजन करवाया जाता है। जिसके घर में कोई बाधा है, रुका हुआ कार्य है, जो पूर्ण नहीं हो पाता है, तो सच्चे मन से गिरिराजी के दरबार में